Sahavavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Vadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Satchidananda Rupaya Krishnaya Klishtakarine Namo Vedanta Vedyaya Gurave Buddhisakshine Krishnadvaipayanam Vyasam Sarvalogahiteratam Vedabjabhaskaram Vande Samadhi Nilayam Sahasramurte Purushottamasya Sahasranetranana Padabahu Sahasranam Stavanam Prashastam Nirujyade Janmajarati Shanti Om Shanti 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 Shri Satguru Maharaj Ki Om Namo Narayanaya. श्री विष्णु सहस्रनाम में सत्रहवां श्लोक तक 36 नामों का विवेचन हो गया है। यहां कई मंत्रों में कई नामों का विस्तार से वर्णन भाष्य में है। भाष्य में अनेक श्रुतियां स्मृतियां उद्धृत है जिनकी व्याख्या हिंदी में दी गई है। हम तो मूल के आधार पर जो भाष्य में विशेष स्थान है उनका ही उद्धरण दे रहे हैं, पूरा भाष्य को नहीं देख रहे। इसलिए जिनकी इच्छा है विस्तृत जानकारी लेने की वो इन पुस्तकों को अपना लें, खरीद लें, इस फिर उसको पुनः आवृत्ति मनन करते रहें। जैसा आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ प्रतिदिन करते हैं तो एक एक दो दो नाम भी स्मरण करते हुए अर्थ का भी स्मरण हो जाए तो बहुत उत्तम होता है, उसका फल होगा। कुछ पुस्तकें स्वामी जी यहाँ मंगा के रखे हैं और भी मंगा सकते हैं जिनको चाहिए। पुस्तक अपने हाथ में रखना अच्छा है। जो हिंदी में यहाँ अर्थ दिया हुआ है बहुत स्पष्ट अर्थ है, सरल हिंदी में अर्थ है तो कोई भी पढ़ते हैं तो उनको समझ में आ जाता है। और जब मौका मिलेगा तो विस्तृत व्याख्या भी हो जाएगी। तो अब तक जो विचार हुआ उसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ सगुण सागार को लेकर के विचार है, क्योंकि सगुण सागार सबके लिए आसान होता है, निर्गुण निराकार का चिंतन ही कठिन है। क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं मिलता है, आप मन में कोई आकार नहीं बना सकते हैं तो चिंतन नहीं हो पाता है। वैसे स्वरूप तो निर्गुण निराकार है लेकिन उसको समझने के लिए सगुण साकार का आलंबन चाहिए। इसलिए यहां वर्णन तो सगुण साकार से ही होगा। और दूसरी बात है, कहीं भी आपको
वर्णन करना पड़ता है, स्तुति करना पड़ता है, तो सगुण साकार को लेकर के ही स्तुति करनी पड़ती है, क्योंकि निर्गुण में कोई शब्द मिलेगा नहीं। अब वो एक दो शब्द मिलेगा तो फिर बाकी सब निराकृत होता है। अदृश्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम, ऐसे ऐसे शब्द आता है तो हटाते जाता है। ऐसे में ध्यान नहीं हो पाता है। तो ध्यान के लिए ब्रह्म का स्वरूप को साकार बना दिया है शास्त्रों ने। वो कोई छोटा ब्रह्म है, बड़ा ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। जहां जैसे जरूरत पड़ता है वैसा करते हैं। तो यहां स्तुति को आगे रखना है। स्तुति, नमस्कार, पूजन, चिंतन यहां कर्तव्य है, इसलिए साकार का ही रूप चिंतन होगा, सगुणों का चिंतन होगा। किंतु जैसा मैंने पहले भी कहा, बीच बीच में ईश्वर का स्वरूप और निराकार का शब्द भी आएंगे, जिससे कि आप में आपके ध्यान में रहें, आप सावधान रहें कि ये दोनों एक ही है। ऐसा तो ईश्वर का स्वरूप कहा कि निरुपाधिगम ऐश्वर्यमस्येति ईश्वरः, अंतिम में ईश्वर शब्द आया था। अब उसके बाद आगे श्लोक है, पृष्ठ संख्या 80 है। स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। स्वयंभू, स्वयमेव भवति इति स्वयंभू, स्वयं ही जो प्रकट हो जाता है किसी अन्य के सहायता के बिना, कोई माध्यम के बिना, क्रिया के बिना, अलग अलग काल में स्वयं प्रकट हो जाता है, उसको स्वयंभू कहते हैं। जो अन्य के सहारे से उत्पन्न होता है वो स्वयंभू नहीं होता है। जैसे ये जगत का जो जन्म है ये स्वयंभू नहीं होता है, इसका कुछ कारण रहता है, कारण के बिना नहीं होता। तो जो कारण के बिना, जनयिता के बिना स्वयं प्रकट हो जाता है उसको स्वयंभू कहते हैं, स्वयमेव भवति। और स्वयंभू का स्वरूप तो आत्मा का है, परमात्मा का है, तो हमेशा बना रहता है, इस अर्थ में भी स्वयंभू होता है। वैसा तो स्वयं भवति इति, स्वयं बन जाता है, वो भी स्वयंभू है, किंतु हमेशा बना रहता है वो भी स्वयंभू है। शंभु दूसरा नाम है। शम का अर्थ होता है सुख, तो सुखम ददादि भावयति इति, जो सुख प्रदान करता है उसको शंभु कहते हैं। तो जैसा शिव है, शंकर है, ऐसे अर्थ में शंभु भी है। तो शम सुखम भक्तानां भावयति इति शंभुः, जो प्रार्थना करते हैं, भक्त हैं, भगवान में आश्रित होते हैं, उनको सुख प्राप्त होता है। और जीवन में हम सुख ही चाहते हैं, सुख के बिना जीवन नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है, सब कुछ क्यों हम करते हैं, तो सुख के लिए ही करते हैं। जहां से सुख प्राप्त होता है वहां हमारे मन लगता है और उसके प्रति हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। तो सुख ही जीवन का लक्ष्य है, वो सुख परमात्मा से प्राप्त होता है। आत्मा में मन लगाने से सुख भावित हो जाता है, अनुभूत होता है, इसलिए शंभु कहा। आदित्य, तो सुख देता है, सुख देने वाले बहुत कुछ तत्व हमारे सामने हैं,
उन तत्वों में आदित्य सूर्य भगवान एक प्रत्यक्ष तत्व है जो हमको सुख देता है। हमारे जितने भी सुख साधन हैं उसका सब आश्रय आदित्य है। यदि आदित्य भगवान प्रकाश नहीं देता, प्रकाशित नहीं होता है, तो ये धरती में जीवजाल नहीं होते, ये पेड़ पौधे नहीं होते। तो पेड़ पौधे नहीं होने से, जीवजाल नहीं होने से हमारा भी जीवन नहीं चलता। ऐसे बहुत बहुत वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक रीजन है, जिससे कि आदित्य को हम भगवान मानते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो सूर्य प्रकाश से ही प्रकट होते हैं, तो वो तत्व अन्य प्रकार से नहीं मिलता है। कुछ विटामिन्स ऐसे हैं और ब्लड में कुछ ऐसे तत्व हैं और शरीर में त्वचा में कुछ ऐसे तत्व हैं जो जिसके लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। और दिमाग यदि स्वस्थ काम करना है तो प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है, तो प्राण जो है सूर्य से ही प्रस्फुरित होता है, उसमें प्राण का पोषक सूर्य है, शक्ति का पोषक सूर्य है। वातावरण को शुद्ध करने के लिए सूर्य का बहुत कुछ कार्य होता है, ये प्रकाश से ही शुद्ध होता है। तो बहुत कुछ कारण है, हम जो सुख प्राप्त करते हैं उसका एक आलंबन आदित्य है, इसलिए आदित्य को सबसे बड़ा दैवत माना है, सबसे प्रथम दैवत माना है। गायत्री आदि मंत्र के द्वारा आदित्य को ही आलंबन बनाकर हम आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि को स्फुरित करने के लिए, बुद्धि को परिपुष्ट करने के लिए आदित्य से हम प्रार्थना करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे जल हमको चाहिए, धरती चाहिए, वायु चाहिए ऑक्सीजन आदि के लिए, वैसे ही आदित्य भी चाहिए। तो इस प्रकार से आदित्य का बहुत कुछ इसमें संबंध रहता है, इसलिए सुख के साथ आदित्य को जोड़ा, तो आदित्य देवत है। वैसे तो आप आदित्य को प्रणाम करो ना करो, भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग सोचते हैं आदित्य तो स्वयं उदित होता है, अस्त होता है, वो आपके प्रणाम के इंतजार नहीं करते, उनका वो स्वयं होना अपने आप होना जैसा है। लेकिन आप आदित्य को स्मरण करने से, आदित्य के साथ आप अपने को जोड़ने से आपको फायदा होगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने ऐसे प्रातःकाल में आदित्य का स्मरण करना, आदित्य का दर्शन करना, नमस्कार करना, अर्घ्य देना, और संध्या आदि करते हैं तो उनको मालूम है कि अर्घ्य आदि देने का सबसे पहले आदित्य से ही संबंध होता है, ऐसा रखा है। उससे आपके मन में एक विशेष शक्ति पैदा हो जाती, एक विशेष एकाग्रता पैदा हो जाती। तो ये सब हमारे संस्कृति के मुख्य अंग है कि ऐसे देवताओं को हम पूजते हैं। कि देखने के लिए तो एक जाजुल्यमान पिंड है, एक गोलाकार के पिंड है, किंतु उसका प्रयोजन बहुत कुछ है। अब प्रयोजन जहां से कुछ फल हमको प्राप्त होता है, जहां से भी, उनको हम मानते हैं। हमारा हम किसको मानते हैं आप सोच लो, हम जिनको भी मानते हैं वो वहां से कुछ फल प्राप्त होता है तभी हम मानते हैं, मानने के पीछे का कारण यही होता है। तो अब आदित्य से भी हमें कुछ फल प्राप्त हो रहा है तो आदित्य को ही हम मानते हैं, और जिनको हम मानते हैं उनको देव मानते हैं, उनको हम पूजते हैं। ये भी हमारी संस्कृति में ऐसे आदत है, जिनको हम मानते हैं उनको आदर करते हैं, पूजा करते हैं, जब भी कुछ समर्पण करना होता है समर्पण करते हैं।
तो अब वो प्रेम के रूप में भी होता है, आदर के रूप में भी होता है, श्रद्धा के रूप में भी होता है, सब होता है, लेकिन कुछ फायदा हमको होना चाहिए तब होता है। फायदा हो रहा है इसलिए आदित्य को हम देव मानते हैं। तो इस प्रकार से आदित्य देवत है, आदित्य सबसे बड़ा, सबसे प्रथम देवत है, ऐसा कह सकते हैं। और भगवान विष्णु का एक नाम आदित्य भी है, आदित्यानाम अहम विष्णु हूं, ऐसे गीता में भी भगवान ने कहा है, आदित्यों में मैं विष्णु नाम के आदित्य हूं। अब शास्त्रों में द्वादश आदित्यों की चर्चा है, 12 आदित्य है, वैसा तो आदित्य एक ही दिखता है आपको। अब ये द्वादश माने 12 महीना, एक संवत्सर में 12 महीना है, ये 12 महीने में एक एक आदित्य को मानकर, एक एक महीने में एक एक आदित्य को मान करके 12 आदित्य की कल्पना है। 12 आदित्यों का अलग मंत्र है, अलग पूजन विधि है, जो कर्मकांड आदि करते हैं उनको मालूम होता है, ज्योतिष आदि में इसका वर्णन है। अब कई लोग पूछते हैं ऐसा कैसे होगा, ये 12 आदित्य कैसे बन गया, एक ही आदित्य है आप 12 क्यों बना दिया उसको, 12 एक एक महीने में एक एक आदित्य को बना दिया। अब इसके लिए आपको थोड़ा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान चाहिए, कुछ विज्ञान का ज्ञान चाहिए। जो आजकल के जो विज्ञान लोग पढ़ते हैं उनको ये सब जानकारी नहीं रहती है, वो कुछ और ही पढ़ते हैं, वो खाली नौकरी करने के लिए ये सब पढ़ते हैं। अब ये 12 आदित्य को क्यों माना, तो उसका उत्तर के लिए आपको जानना पड़ेगा कि 12 महीना क्यों माना, 12 महीना है ये क्यों माना। ये 12 महीना 12 राशि के अनुसार होता है, ज्योतिष के अनुसार 12 राशि है, ये 12 राशि के अनुसार 12 महीने का निश्चय किया है। ये राशि का मतलब क्या होता है कि भूमि, आपको पता है ये धरती जो है एक ग्रह है, और ये सूर्य के चारों तरफ सौर मंडल में ये घूमती रहती है, अपने आप भी घूमती है, ये सब आप स्कूल में पढ़े हैं, सब आपको मालूम है। तो इसमें क्या होता है, एक एक समय में पृथ्वी स्थान को बदलती है, यानी हर क्षण स्थान को बदल रही है, बदलते बदलते जाती है, बदलते बदलते जाने से वो सौरमंडल के अन्य ग्रह, अन्य नक्षत्र, तारे आदि के साथ संबंध करती है। जैसे वो बदलते स्थान बदल करके जाती है तो सूर्य का प्रभाव भी कुछ बदलता है, सूर्य की जो रश्मियाँ भूमि पर पड़ रही है वो भी बदल जाते हैं, उसका स्वभाव भी बदल जाता है, और उसमें पृथ्वी में होने वाली जो शक्ति है, यानी जो उसके जो मैग्नेटिक कुछ कनेक्शन होता है, वो जो संबंध है उसमें भी परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन के अनुसार पृथ्वी में रहने वाले जीवजाल जीव जंतुओं को भी कुछ परिवर्तन होता है। और उसमें कहीं जब गर्मी बढ़ती है आपको पता है शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, जब ठंडी आती है तो आप देखेंगे शरीर में त्वचा में सब परिवर्तन होता है, और इतना ही नहीं आप बहुत सूक्ष्म देखेंगे तो आपका दिमाग में भी परिवर्तन होता है, विचार में भी परिवर्तन होता है, मन कभी चंचल रहता है कभी स्वस्थ रहता है, जैसे शीतकाल के समय में मन अच्छा होता है, और किसी को कभी कोई कोई बीमारी कोई कोई महीने में ज़्यादा होता है, ऐसा भी आपने देखा होगा, जैसे जिनकी बीपी है ऐसे ऐसे बीमारी है, हार्ट के बीमारी है, वो शीतकाल के समय में ज़्यादा हो जाता है, और जो गर्मी के समय में कम होता है, ऐसे बहुत कुछ परिवर्तन होता है, ये मानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो राशियों के स्थान बदलने से, सूर्य के साथ संबंध पृथ्वी का बदल जाने से, पूरे हमारे शरीर पर, स्वास्थ्य पर, और जीव जाल ये पशु पक्षी और जितने पेड़ पौधे हैं इन सब पर असर होता है। एक एक महीने में, महीने में वैसा नहीं, हफ्ते में भी होता है और एक एक दिन में भी होता है, लेकिन एक महीने को रूप करके दिखाया है। तो वो परिवर्तन को समझ करके उन्होंने, बहुत ऋषियों ने रिसर्च किया इस पर, रिसर्च करके उन्होंने पता लगाया कि इतने समय में इतने राशि के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो ये परिवर्तन यहाँ होता है, और आदित्य के साथ हमारा ये संबंध बनता है,
और कहते हैं कि वो आदित्य का रंग रूप भी बदल जाता है। यह तो अभी साइंस ने अभी माना है कि जैसे पृथ्वी का स्थान बदलते हैं हम वैसे देखने से एक जैसा हमको दिखता है, लेकिन उसका रंग रूप बदल जाता है, उससे जो रश्मियां आती है, जो रेस आते हैं, उसमें भी फर्क पड़ता है, ऐसे वैज्ञानिकों ने माना है। इसको ऋषियों ने पहले रिसर्च किया, रिसर्च करके एक एक महीना बदलते समय क्या क्या आपको अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था रखी, और उस समय कौन से आदित्य का नाम लेके पूजन करना चाहिए, कौन से वस्तु से पूजन करना चाहिए, क्या व्रत करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब यहां बैठे हुए लोगों, कितने लोगों को मालूम है कि ये 12 महीने में हर दिन रोटी दाल सब्जी क्या बोलते हैं आपका वो सब खाने का नहीं है, ये साल में आपका व्यंजन को बदलना पड़ता है। आजकल किसी को ये मालूम नहीं है। वो व्यंजन को यदि सही समय पर आप बदलेंगे, इस प्रकार से बदलेंगे, तो उसका स्वास्थ्य पर बहुत अनुकूल असर पड़ता है। आप नहीं बदलेंगे तो प्रतिकूल असर पड़ता है। कोई कोई महीने में अचार आदि नहीं खाना चाहिए, कोई कोई महीने में हरी सब्जी नहीं खाना चाहिए, जैसे पत्ते आदि नहीं खाना चाहिए, कोई कोई महीने में कड़वी चीज नहीं खानी चाहिए, कोई महीने में मीठी चीज कम करनी चाहिए, और कोई ऐसे भी महीने में जिसमें दही नहीं खाने चाहिए। ऐसे ऐसा उन्होंने पूरा पक्का रखा है और उसको अध्यात्म के साथ जोड़ करके, व्रत के साथ जोड़ करके रखा है, और जो लोग इसको जानते थे उनको सब कुछ अलग दिखाई पड़ता था, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार उनको मालूम था कि ये इस समय ये आदित्य है, ये आदित्य रहते समय हमें ऐसा ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए पहले जमाने में लोग स्वस्थ रहते थे और दीर्घ आयु उनकी होती थी, उनकी बुद्धि भी बहुत तेज होती थी। अब बुद्धि कैसे तेज थे उनके एक एक ग्रंथ आप देखने से मालूम पड़ेगा। अब वो जैसे जैसे ग्रंथ लिखे हैं उसको पढ़ने के लिए आपका यहाँ पूरा जीवन लग जाता, पसीना छूट जाता, कुछ समझ में नहीं आता, इतने उन्होंने सोच समझ करके, विचार करके, चिंतन करके लिखे, कितनी तेज बुद्धि थी उनकी। तो ये सब इसलिए हो पाया कि ये सब अनुष्ठान के अंतर्गत ला करके वो व्यवस्थित रखते। तो अब किस महीने में गर्म पानी से स्नान करना है, किस महीने में ठंडा पानी से स्नान करना, ये भी है। हर महीने में गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। यदि हर महीना गर्म पानी स्नान करेंगे तो आपको बीपी आदि रोग होगा और आप में त्वचा में ये हो जाएगा, बहुत कुछ होता है। ये आजकल जो बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल आदि जो बढ़ते हैं, ये सब का कारण ऐसा होता है, कई कारण हैं। अब उस पर कोई रिसर्च नहीं करते क्योंकि आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन का जो भी थियरी है वो कुछ अलग ही रास्ते पे चलता है, उनको ये सब का मतलब नहीं है। वो कुछ मिला करके दवाई बनाते हैं, एक दवाई काम नहीं करने से उससे ज़्यादा तेज और दूसरी दवाई बनाएंगे, आपको खिलाते रहेंगे, और एक दवाई खाने से जो उसका बुरा असर होता है उसके लिए दूसरी दवाई बनाएंगे, ऐसे उनके मिशन चलते रहते हैं, फैक्ट्री चलती रहती है, लोगों को नौकरी भी मिलते हैं, ऐसे होता रहता है, पैसा कमा रहे। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमारे ऋषियों ने कभी इस प्रकार के व्यवसाय दृष्टि से नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि सबका हित हो जाए और स्वयं अपने घरों में रहते हुए जो दवाई है, जो उपचार करना है उनको जानते हुए उसको करें, उसके लिए कोई मार्ग निर्देश हो तो वो दे देते थे, ऐसे में स्वस्थ हो जाता था, उनका अपने कार्य चलता था। अब ये सब ज्ञान बिगड़ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सुन करके ऐसा ना समझे कि 12 आदित्य कैसे आ गए, एक आदित्य को 12 कैसे बना दिया। ये बना दिया इस दृष्टि से कि द्वादश आदित्य है, द्वादश आदित्यों का नाम है शक्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान, भग, विष्णु। एक आदित्य का नाम विष्णु भी है। तो इस प्रकार 12 आदित्य हो गए, तो 12 आदित्यों का रूप भी भगवान का ही है, ऐसा कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अब आकार को लेकर के कहते हैं पुष्कराक्ष, कमल जैसे सुंदर आंखें हैं। अब ये इसलिए नाम को यहां लाया कि आदित्य के अंदर एक पुरुष चेतन को चिंतन करने का विधान उपासना के प्रसंग में उपनिषदों में वेदों में आया है कि आदित्य के अंदर एक ज्योति है, ज्योति के अंदर एक पुरुष आकार है, यानी एक बिंब है,
ऐसा चिंतन करना। आपने कहीं फोटो फोटो में देखा होगा आदित्य के अंदर एक आकार बना करके, वो आदित्य देवता का चिंतन है। तो ऐसा चिंतन करने का विधान आया है, तो सुंदर मूर्ति का चिंतन करना, सुंदर आकार का चिंतन करना, इसके लिए पुष्कराक्षा का, पुष्कर का अर्थ होता है कमल। कमल जैसे सुंदर नेत्र है, इसका अर्थ होता है सुंदर रूप है। तो पुष्कराक्ष भी भगवान है। महास्वन, स्वन मन शब्द होता है, बहुत विशिष्ट जो शब्द है उसको महास्वन कहा, अथवा जिस शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत है, बहुत गहराई में है, उसको महास्वन कहा। तो महास्वन का ऐसे अर्थ हो जाएगा वेद श्रुति। तो वेद श्रुति जिसका शब्द है वही भगवान महास्वन है। बहुत आवाज करता है ऐसा भी अर्थ होता है, भयंकर शब्द, उसको भी महास्वन कह सकते हैं, किंतु यहां तो श्रुति को लेकर के, वेद को लेकर के महास्वन कहा, क्योंकि वेद का, वेद भगवान से ही प्रकट होता है। अस्य महदो भूदस्य निश्वसित मेद दृग्वेदो यजुर्वेदो सामवेद अथर्वांगिरसा, ऐसा वाक्य आया है श्रुति में। इस महत ब्रह्म से ये वेद प्रकट हुए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आदि प्रकट हुए हैं, इसलिए सब श्रुतियों को, वेदों को प्रकट करने के कारण भगवान को महास्वनः कहा। अनादि निधनः, ऐसा सबको प्रकट करता है तो प्रकट करने के पहले भी भगवान रहता है, सृष्टि के पहले भी भगवान है, सृष्टि के बाद में भी भगवान है, भगवान के आदि नहीं है और अंत भी नहीं है। आदि आदि अंत रहित, इस अर्थ में अनादि निधन कहा। निधन का अर्थ होता है अंत, आदि का अर्थ होता है आदि, ये जो आप जानते हैं, ये दोनों जिसमें नहीं है, आद्यंत रहित है। जैसा पहले ही कहा है, मैंने ये कहा था, ये सारे नामों को ठीक से समझने के लिए आपको सबसे पहले ये कार्य कारण प्रक्रिया को याद रखना पड़ेगा, ऐसा कहा था कि कारण है, कार्य बनने के पहले रहता है, कारण में ही कार्य आश्रित रहता है, कार्य नष्ट होने के बाद भी कारण रहता है, कार्य के गुण दोषों से कारण दूषित नहीं होता है। ये सब बातें याद रखनी है, और उसके साथ में सृष्टि जो बनाने की प्रक्रिया है, जो प्रणाली है सृष्टि की प्रणाली, कि पहले क्या होते हैं, फिर दूसरा बार दूसरे स्थिति में क्या होते हैं, तीसरे स्थिति में क्या होते हैं, फिर बदल बदल करके क्या बनता है, ऐसे उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा कि वो सृष्टि के पहले भी रहता है, बाद में भी रहता है, ऐसा रहता है, हमेशा रहता है, इसीलिए वो वेदों को प्रकट कर पाता है, क्योंकि वेद नित्य है, वेद को किसी ने बनाया नहीं है, वेद अपौरुषेय है, नित्य है। ऐसा नित्य वेद को भगवान प्रकट करते हैं, यानी ऋषियों के माध्यम से वेद को प्रकट करते हैं। ऋषियां वेद को बनाते नहीं है, वेद को बनाने वाले कोई नहीं है, ऋषियां वेद को स्मरण करते हैं। ऋषियों का नाम ही ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, मंत्रों को जानने वाले होते, वो पहले से बना हुआ रहता है, उनका ऋषियों को उसका स्मरण हो जाता है, स्मरण होने पर वे उसको प्रकट करते हैं। स्मरण होने के लिए ऋषियों के मन में एक विशेष शक्ति पैदा हो जाती है, जो अन्य को नहीं मिलता है, ऋषियों को ही मिलता है। वो शक्ति कैसे होती है कि उन्होंने जन्म जन्मों में, अनेक जन्मों में उसके लिए साधन अनुष्ठान किया है। तो आप भी अभी साधन अनुष्ठान करेंगे तो भविष्य में आप भी ऋषि बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं, आपके मन से भी वेद प्रकट हो जाए। अब कैसे होता है कि आपका मन उसके साथ एक
ताने में बंध जाता है, ट्यून्ड हो जाता है। वो ताने में बनने से फिर उसी के द्वारा भगवान प्रकट करते हैं। भगवान अपने आप हाथ पैर से कुछ नहीं करता है, तो जो काम उनको कराना होता है उस हिसाब से उस आकार को शरीर को ले लेते हैं, फिर उसका काम करा देते हैं। इसलिए सबके द्वारा उनका ही काम होता है, वो भी आगे कहेंगे। तो वेद को प्रकट करने का जब समय आएगा तो ऋषियों को प्रकट करते हैं और ऋषियों के माध्यम से वेद प्रकट हो जाता है, फिर एक सृष्टि काल में वेद का ऐसा ही चलता। इसलिए यहां महास्वन शब्द के बाद अनादि निधनम कहा, क्योंकि वेद को प्रकट किया बोलने से कोई संशय कर सकता है कि वेद को भगवान ने बनाया। नहीं, भगवान ने बनाया नहीं है, भगवान उसको प्रकट करते। ये प्रकट करना और बनाना अलग होता है। जो पहले से रहता है अब दिखाई नहीं पड़ रहा था, उसको आप उपाय से उपायांतर से प्रकट करते हैं। बन बना हुआ था प्रकट करते हैं, तो ऐसा प्रकट होता है, वो ऋषियों के माध्यम से प्रकट होता है। तो इसलिए अनादि निधन भगवान है। धाता, धाता का अर्थ होता है धारण करने वाला, जो सबका धारण करता है। सृष्टि करने के बाद जैसा पहले कहा, सृष्टि करने के बाद संभालना है और उसका धारण भी करना है। सृष्टि को अपने में ही रख करके धारण करना होता है। धारण करना मतलब चलाना ही है, जो जो उसके लिए चाहिए उस प्रकार से चलाता है। और विधाता, विधाता का अर्थ होता है ब्रह्मा जी। एक शब्द तो प्रसिद्ध है, विधाता माने ब्रह्मा जी। तो विधाता का ये अर्थ इधर विशेष है कि जिसके लिए जो कर्म चाहिए, जो कार्य चाहिए, उसका विशेष विधान करता है। कर्मणाम तत्फलानाम च कर्ता, वो भी भगवान है। ऐसा क्यों कहा? ये लोग ऐसा ना सोचें, आपस में राग द्वेष ना करें कि हमारे लिए कुछ कर्म ऐसा कर दिया, दूसरे के लिए दूसरा कर्म कर दिया, किसी को अच्छे बना दिया, किसी को बुरा बना दिया, किसी को किसी जाति में जन्म दे दिया, किसी को दूसरे जाति में जन्म दे दिया, किसी को स्त्री बना दिया, किसी को पुरुष बना दिया। ऐसे ऐसे लोग सोच करके झगड़ा करते। अब भगवान से भी दोष कर सकते, हमको क्यों पुरुष बनाया, हमको कोई सोचता है कि हमको स्त्री बना देना चाहिए था, और कोई सोचता है, स्त्री सोचता है कि हमको पुरुष बनाने से अच्छा था, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ऐसा आपके किसी के हाथ में नहीं, भगवान स्वयं बनाते हैं। इसीलिए पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान लेते हैं, उत्तरदायित्व। ये व्यवस्था बनाने की जो उत्तरदायित्व वो देते हैं, तो अलग अलग विभाग करके अलग अलग काम देते हैं, उसी को विधाता कहते हैं। कर्म और कर्मफल का दाता विधाता है। तो कर्म माने ये जो वर्ण आश्रम आदि विहित जो कर्म है, इसको कर्म कह रहे हैं। तत्त कर्मों को कार्य करने के लिए दिया, और केवल मनुष्यों को कर्म दिया ऐसी बात नहीं है, बाकी जो जंतु है अन्य प्राणियों को भी अलग अलग कर्म दिया। एक एक कर्म वो भी करते हैं और सभी मिलकर के इस धरती को, इस सृष्टि को संभालते हैं। वो पशु पक्षी आदि अपना खाना पीना ढूंढने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कार्य करते हैं जिससे ये सृष्टि बराबर चलती है। उनको भी कर्म दिया हुआ है, वो आपको पता नहीं चलेगा, वो तो जन्म से ही उनको ज्ञात हो जाता है। मनुष्यों के लिए ऐसा है, मनुष्यों का कर्म को वो बच्चे को बाद में सिखाना पड़ता है। बच्चा जन्म लेने के बाद में क्या कर्म करना है माता पिता को सिखाना पड़ता है, नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो कुछ ना कुछ करते जाएगा। लेकिन अन्य प्राणी जंतुओं का ऐसा नहीं है, वो भगवान डायरेक्ट उनको सिखाता है। जो जन्म लेता है उसको जो कर्म करना है वो सीख जाता है। जैसे आपने देखे पक्षी आदि कितने बढ़िया बढ़िया घोंसला बनाते, अब क्या इंजीनियरिंग होता है उनका। आपको एक मकान बनाने के लिए कितना सब खर्च करना पड़ता है, कितने फाउंडेशन है, कितने मटेरियल चाहिए, ये सब हिसाब करते करते उसमें भी कई पैसा, बहुत पैसा खर्च होता है। उसके लिए अलग डिपार्टमेंट, उसको सीखना पड़ता है, कई सालों तक अभ्यास करना पड़ता है। अब ये पक्षी को आप देखिए, वो ऐसे इतने से एक धागा जो है ऊपर बांध देते,
और उसके पास और कोई मटेरियल नहीं है, उसमें इतना बड़ा घोंसला बना देते और उसका कितना वेट होता है, कितने हवा आने पर, कितना झोंक मारने पर, कितना वो पकड़ में रखेगा और कितना समय तक वो टिके रहना चाहिए, सारा उसका हिसाब होता है। अब इतने से छोटी सी पक्षी, उसका दिमाग तो हमारी उंगली जैसे भी नहीं, इससे भी कम है। अब हमारे दिमाग में जितने सर्क्यूट होंगे उससे, उस तुलना में उनके पास तो बिल्कुल ही कम है। ऐसे में इतना सब कैसे सोच लेते और अनायास करते हैं, और देखने में आश्चर्य होता है उनका प्लानिंग कैसे होता है। वो सब समय के अनुसार करेंगे। अब बारिश आने वाले हैं, बारिश के पहले तैयार करना, वो गर्मी आने वाले हैं उसके पहले क्या तैयार करना, अब हवा जो है वर्षा होने वाली हो तो उसके पहले क्या तैयार करना, ये सब कुछ उनको याद रहता। आश्चर्य है। अब हम वहां देखते हैं, इस बार कई बार ऐसे दिखाई पड़ते आश्रम में भी इधर उधर घोंसला बनाते, और पिछले बार हमने देखा एक वो पक्षी आए, इधर उधर देखा और दो चार दिन वहां इधर उधर घूमती रही, कौन से जगह इसके लिए फिट है सब देखा। देखने के बाद में एक जगह चुन ली, चुनने के बाद कई दिन तक वहां बैठ करके देखती रही, यहाँ कोई खतरा तो नहीं, यहाँ तो आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोग तो पाठ के लिए जाते हैं उसी रास्ते पे, मकान के इधर बनाना है उसको सामने से, तो मैं भी देखता रही है क्या करने चाहती है। तो सभी बोला कि ये घोंसला बनाने के चक्कर में बैठ करके देख रही है कि यहाँ जो रहने वाले लोग कैसे हैं, कि वो अटैक तो नहीं करते हमको, हाथ पैर तो नहीं दिखा रहे, ये सब देख रही वहाँ को। कुछ दिन तक ऐसे देखती रही और उसके बाद में फिर धीरे धीरे हमको पता नहीं था, हमने सोचा चली गई। बाद में हम देख रहे हैं रोज सुबह हम जब आते हैं तो दरवाजे के सामने ये मिट्टी मिट्टी का कण गिरा हुआ है। हमने सोचा ये तो झाड़ू करके साफ करते, कहाँ से ये मिट्टी आता है, वो भी ऐसे पानी मिलाया हुआ गोंद जैसा। तो फिर पता नहीं चला, फिर दो तीन दिन के बाद देखा तो उधर एक काम शुरू हो गया। और वो मिट्टी को कैसे लाते हैं आश्चर्य है, क्योंकि ऐसे मिट्टी तो आ नहीं सकते हैं। वो मिट्टी के साथ कुछ तिनके बन के घास के सूखे हुए जो घास है ना उसको जोड़ करके एक तैयार करते हैं, क्योंकि चोंच में कितना आएगा, तो जब वो मिलाएंगे तब आएगा, तो उसके साथ फाइबर चाहिए ना, फाइबर मिलाना पड़ेगा, जैसा आप सरिया डालते हैं इसके लिए मकान के लिए, ऐसे ही मिट्टी लाने के लिए मिट्टी के साथ वो घास को, ऐसे विशेष घास को, सूखी हुई घास को मिला करके गोल गोल करके एक एक बार लाती है, दिन भर करती रहती, थकती नहीं है, और डाएगी रखेगी गर्त कर, और उसका इधर उधर नहीं होता है, और जितना लाते हैं वो पूरा वहां रख देते, रख करके पूरा प्लानिंग करके ये बना देते, और समय भी, उसके बाद अंडा देना है, फिर वहां बैठना है, ये सब देखना है, वो जब जब तक बच्चे हो जाएंगे, बच्चे तैयार हो जाएंगे। ऐसा हमने इस बार दो देखा, वो पक्षी आकर के गए और उसके जो है दूसरे परिवार भी आकर के फिर उसको और बढ़ा दिया, फिर दो बार बच्चे दिए वो फिर चले गए। ऐसा होता है कि कितना किसको कौन सिखाया। अब ये मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है, जिसको इंजीनियरिंग में बहुत बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं कि ये मटेरियल का जो स्ट्रेंथ होता है, कितना कितना डाला, कितना पानी, कितना ये करना, उसमें कितना पकड़ेगा और कितना फाउंडेशन में कितना पकड़ेगा, उनका कुछ नहीं, और बिल्कुल फिट, अभी भी उसको उठाना निकालना मुश्किल है, इतना स्ट्रांग है वो कि आपको तोड़ करके निकालना पड़ेगा, साफ करना है तो वो सब कुछ याद है, कौन सिखाता है। ऐसे एक एक बात को आप देखिए, केवल पक्षियों के नहीं वृक्षों में भी है सब। तो ये सब ज्ञान उनको है, ये ज्ञान तो किसी ने सिखाया नहीं है, वो कोई इंजीनियरिंग किया नहीं, उसके माता पिता भी इंजीनियर नहीं है, कोई नहीं है, तो कैसे सिखाए और उसके लिए क्या मटेरियल चाहिए, किसने सिखाया और वो मटेरियल कहाँ मिलता है, वो भी आश्चर्य है। और जहां मिलेगा उसको पता है, वो वहीं जा करके गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी के बाजू में वो रेत जैसा रहता पानी का, उधर से उठाते हैं फिर उधर मिलाते हैं। और मुझे आश्चर्य यह हुआ कि घास उनको इस प्रकार से कहाँ मिलता है, वो गोबर में जैसा निकाल करके लाते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, तो वो ला करके रख देते। तो ये सब ज्ञान है, ये सब विधाता का काम है, इसलिए बोल देते हैं ये सब विधाता करता है, ऐसे हम बोलते हैं ना, जो विधाता है कि सब कुछ उनको व्यवस्थित दे रखा है। तो विधाता धादुर उत्तम, धातु का अर्थ होता है चित धातु, चैतन्य स्वरूप, उत्तम जो धातु है वो चित धातु चैतन्य स्वरूप है। यहां धातु शब्द से कोई और धातु को नहीं लिया, चैतन्य को लिया है, तो चित स्वरूप है वो, क्योंकि सबको जानता है, सबके अंदर बाहर रह करके सभी को संचालन करता है, इसीलिए भगवान का ज्ञान पूर्ण होता है, वो अचूक है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होता।
आगे दो पृष्ठ आगे श्लोक है 83 में 83 पृष्ठ। अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टास्तविष्ठस्थ विरोध्रुवः। अप्रमेय, प्रमेय का अर्थ होता है प्रमाण के द्वारा जानने योग्य विषय। प्रमाण हमारे पास ये जो पांच इंद्रियां हैं एक प्रमाण है। चक्षु के द्वारा आप विषय का दर्शन करते हैं, विषय का रूप का दर्शन करते हैं, तो रूप के ज्ञान के लिए चक्षु को प्रमाण मानते हैं। किस वस्तु का क्या रंग है, क्या आकार है, ये केवल आप चक्षु से जान सकते हैं। कुछ स्पर्श करके भी आकार का ज्ञान होता है, लेकिन रंग का, कलर का ज्ञान चक्षु से ही होता है, कोई और इंद्रिय से नहीं होता। तो अभी रूप के विषय में चक्षु प्रमाण है, ठीक है। इसी प्रकार शब्द के विषय में श्रोत्र प्रमाण है, स्पर्श के विषय में मृदु कठिन आदि स्पर्श के विषय में त्वक प्रमाण है, रस के विषय में मीठा खट्टा नमकीन आदि रस के विषय में रसना प्रमाण है, और गंध के विषय में नाक ही प्रमाण है। तो इस प्रकार से जिस विषय को हम जान सकते हैं उस विषय में वो प्रमाण होता है। चक्षु रूप के विषय में प्रमाण जरूर है, किंतु शब्द के विषय में शब्द चक्षु प्रमाण नहीं है। तो चक्षु केवल रूप को जान सकती है। इस प्रकार एक एक जो प्रमाण होता है उसका अपना अपना विषय है, वो उतने को ही हम प्राप्त कर सकते हैं। उससे मन भी प्रमाण है, क्योंकि मन के द्वारा चिंतन करके अनुमान करके बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। पूर्व अनुभवों को स्मरण करके नए अनुभवों को आप जानते हैं। अनुमान के बिना हमारा जीवन नहीं चलता, तो मन भी प्रमाण है। किंतु अभी ये जो विधाता भगवान है, विधाता भगवान को समझने के लिए जानने के लिए इनमें से कोई भी प्रमाण काम नहीं करेगा। अनुमान थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है, उसे पूरा ज्ञान नहीं होगा। तो इसीलिए कहा अप्रमेय। ये अप्रमेय होने के कारण भगवान हमसे दूर हो गए। भगवान यदि कोई इंद्रिय से दिखाई पड़ता तब तो फिर बहुत आसान था, और ये अप्रमेय होने के कारण ही ये नास्तिक लोग भगवान नहीं है ऐसा कहते। अप्रमेय होने के कारण ही विज्ञान साइंस भी भगवान को मानने से पीछे हट गए, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे क्यों भगवान को मानना चाहिए, कोई लक्षण नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कैसे देख रहे हैं वो, तो देख जो दिखाई पड़ता है उसको मानते। तो ऐसा भगवान को हम नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, इसलिए हम मान करके बैठे हुए हैं कि भगवान नहीं है। किसी को दिखाई पड़ता है तो उसका भ्रम है ऐसा कहते हैं नास्तिक है, उनको किसी को भगवान दिखाई पड़ा वो हो सकता है आपको भ्रम हो सकता है, आपको ऐसा लग गया भगवान है ऐसा करता है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन जिन को भगवान दिखाई पड़ते हैं वो सब मानसिक रूप से असंतुलित स्थिति में, ऐसे भी कहते हैं वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मैंने साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया उनका, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो कुछ ना कुछ देख लेते हैं फिर बोलते हैं भगवान। अब क्या है कि जिसने देखा उसको दिखाई पड़ रहा है, वो दूसरे को दिखा नहीं सकता है, वो बोलता है ये खड़ा है भगवान, वो दूसरा देखता है दिखाई नहीं पड़ता। और कोई बोलता है तुम ही भगवान हो, वो बोलता है मैं कैसे भगवान हो सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता।
तो ये देखने की दृष्टि है, तो आप अपनी मानसिक अवस्था को बदल दिए, इसलिए आपको ऐसा वैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई भगवान नहीं है, ऐसे बोलते हैं। इसका कारण है भगवान अप्रमेय है। अब वैसे लोगों को आप कितना भी कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो, नहीं समझा सकते, क्योंकि वो पांच इंद्रियों के प्रमाण और मन के प्रमाण और थोड़ी बहुत बुद्धि के प्रमाण को मानते, बाकी तो मानेंगे नहीं। और श्रद्धा क्या चीज होती है, विश्वास क्या चीज होता है, उससे क्या फायदा होता है, ये सब उनको समझ में नहीं आता है। ये एक अलग स्तर है कि आपको कोई कोई तत्व, कोई कोई वस्तु, जैसे जन सामान्य के लिए, लोग सामान्य में जितने भी वस्तु है आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वस्तु है, ऐसे तत्व है आपके इंद्रियों के विषय के परे, लेकिन आप उसको खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रयोग आप कर रहे हैं, उसके बिना आपका जीवन नहीं है, लेकिन आप जानते नहीं। कितने सारे चीज ऐसा आपकी जानकारी के अनुसार ही सब होने से आप मानेंगे तभी आपका काम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका ज्ञान लिमिटेड है, जितना आप जानते हैं उतना तो ठीक है, लेकिन जितना आप नहीं जानते हैं उतने उससे भी आपको काम हो रहा है। जैसे आपके पास मोबाइल है, सभी के पास मोबाइल है, अब वो मोबाइल बंद कराने में यहां कितना मेहनत करना पड़ रहा है, कितना भी बोलो मोबाइल बंद नहीं कर दी, इतना अभी मोबाइल के साथ संबंध हो गया, अब मोबाइल नहीं है तो जीवन में कुछ कमी जैसा हो गया, बहुत आश्रित हो गया। अब देखिए 10 साल 15 साल हुआ होगा मोबाइल इतना प्रचार में आके, तो ये 15 साल में मोबाइल ऐसा पकड़ लिया कि ये अभी 100-200 साल तक छूटने वाला नहीं, ऐसा लगता अब पीढ़ियों तक चलती रहेगी, क्योंकि वो सब देखेंगे, अभी छोटे बच्चे भी मोबाइल से ही अपने काम चला रहे हैं। अभी पहले तो दुनिया से विरक्त होने के लिए जैसे घर छोड़ना पड़ता था, पैसा छोड़ना पड़ता था, सब छोड़ना पड़ता था, अभी ये मोबाइल छोड़ना पड़ेगा विरक्ति के लिए, वैसा लगता है कि इतना वो पकड़ लिया। अब ये मोबाइल तो आप खूब इस्तेमाल करते हैं, सब उसमें आपको पता है, लेकिन कभी आपने सोचा ये मोबाइल काम करता कैसे? हम यहां से बात करते हैं और दूसरे को वहां पूरा स्पष्ट सुनाई देता है, और बिल्कुल जैसे के वैसे आप यहां खड़े हैं उनको वहां दिखाई देता है, हैं? तो रूप भी जाता है, शब्द भी जाता है, और बिल्कुल उसमें कोई इधर उधर हेरफेर नहीं होता, कुछ मिलावट नहीं होता, उसको प्रमाण मानते, उसमें मोबाइल में आया हुआ तो सत्य होता है, ऐसा मानते। तो अब यह काम कैसे करता है जो इस्तेमाल करने वाला, किसी को पता है क्या? आप पैसा देते हैं 5,000-10,000, एक डब्बा खरीद के लाते हैं, फिर उसको चार्ज करते हैं, फिर वो दूसरे दिन से चालू हो जाता है, इतना ही आपको मालूम है, आप जो कर रहे हो सब कुछ उसको पता है, लेकिन ये काम कैसे कर रहे हैं? हम यहां बात करते समय बात पहुंचती कैसे है वहां, आज तक किसी ने वो सोचने की जरूरत नहीं, काम तो चल रहा है, बस उसी से मतलब है। उसका क्या असर है, क्या बुरा असर है, क्या क्या कुछ होता है आपके शरीर में उससे, क्या कुछ होता है वातावरण में, कुछ नहीं आपको पता है, तो भी आपको काम आ रहा है तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसकी जानकारी होने के बाद ही करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। आप बीमार हो जाते हैं, एक गोली लाते हैं, सफेद सफेद, लाल लाल, पीला पीला, जो भी रहता है वो पानी में मुंह में डाल देते हैं, डालने के बाद कुछ समय के बाद बीमारी ठीक हो जाती है। अब आपको पता है क्या, ये इतने सारे ये जो चीज है ये अंदर जाए कि क्या विषय कैसे करता है, वो कैसे वो बीमारी को ठीक करता है, वो क्या कार्य कर रहे हैं, कुछ पता है क्या? कुछ नहीं पता है, वो खा रहे हैं ठीक हो रहा है ये पता है, डॉक्टर को पूछो डॉक्टर को भी पता नहीं है। डॉक्टर को इतना पता है कि इसका ये बीमारी है करके बोलने से, ये दवा का नाम है वो दवा लिख देना है, उसको सुबह शाम खाने के लिए बोलना है, पानी पीने के लिए बोलना है, खिचड़ी खाने के लिए बोलना है, इतना उसको सिखा रखा है, वो रिपीट करता है, वो ही आपको दे देता है, उसको भी पूरा पता नहीं ये जाके क्या क्या करता है, तो चलता है बस वो सब मान करके, उसको प्रमाण मान करके चलते। ऐसे डॉक्टर को भी हम प्रमाण मानते हैं,
ऐसे मोबाइल को भी हम प्रमाण मानते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो आप इसको हटा करके जीवन का पूरा हिसाब देखो। जीवन में ऐसे बहुत कार्य है, जैसा हमने पहले ही बताया, आपके शरीर में जो कुछ परिणाम हो रहा है, आपके दिमाग कैसे काम कर रहा है, जैसे आपने इधर जन्म लिया, ये बहुत सारे है कि आपके विचार से बाहर है, आप इसको जान नहीं सकते, तब भी हो रहा है। तो इसको किसी ने किया होगा, कोई कर रहा है, कोई जोड़ रहा है, कोई बना रहा है, कोई चला रहा है, उसके बिना ये होना संभव नहीं है। आप जो तत्व को नहीं जानते हैं, जिस प्रकार वो चल रहा है वैसा नहीं जानते, ये ठीक है, लेकिन हो तो ऐसा ही रहा। जैसे अभी सामान्य पानी, पानी हम पीते हैं, पानी के अंदर क्या तत्व है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये आपने स्कूल में सीखा। अब मान लिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बन गया, आप ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को कितना भी मिला, वो पानी बनकर के सामने आएगा? नहीं आएगा। और वो जो दो गैस है, जो वायु है, वह गैस मतलब एक हवाई होता है, वो हवा कैसे पानी के रूप में परिणत होता है? इसको आपने माना तो है लेकिन आपने प्रूफ नहीं किया, तब भी आप पानी तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे तत्वों का जो ज्ञान है वो हमारे ज्ञान के परे होने पर भी वो होता है, वो सिद्ध नहीं होने पर भी होता है, क्योंकि हमको उससे फायदा हो रहा है। इसीलिए ऐसे जो काम हम नहीं कर सकते और हम सभी के द्वारा भी नहीं किया गया हो और किसी ने किया करके आपको मालूम नहीं हो, ऐसे कार्य भी दुनिया में प्रतिक्षण हो रहा है, तो वो कोई कर रहा है, तो वो तत्व है ऐसा मानना पड़ेगा। इसलिए अप्रमेय होने से भी भगवान का अस्तित्व है ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। अप्रमेय होने से हम जान नहीं पाते हैं, इतना ही। ऋषिकेश, ऋषिकाणाम ईश, ऋषिकाणी इंद्रियाणी, इंद्रियों का, इंद्रियों मैंने ये प्रमाण कहा, ये प्रमाण जितने भी है इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, इनका ये संचालक है। ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशः ऋषिकेशः, क्योंकि अंदर अंदर्यामी रूप से रहकर ये सबको चलाता है, इंद्रियों को चलाता है, तो इंद्रियों के माध्यम से ही हम सब कार्य कर पाते हैं। इसलिए सब कार्य का जो संचालन है वो भगवान के ऊपर ही है, तो क्षेत्रज्ञ रूप भगवान है ऐसा कहा ऋषिकेशः। पद्मनाभः, सृष्टिकर्ता को, पुराणों के अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि से उत्पन्न कमल में बैठा हुआ होता है, यानी ब्रह्मा जी जो सृष्टिकर्ता है उसका भी आधार, उस ब्रह्मा का भी आधार भगवान है, इसलिए भगवान का नाम पद्मनाभ है। पद्म मन कमल, कमल जिसके नाभि में है ऐसा इसका अर्थ है। तो वो कमल से, यहां कमल में बैठा हुआ ब्रह्मा जी को लिया गया है। आप पद्मनाभ भगवान का यदि फोटो देखा होगा तो आपको उसमें दिखाई पड़ेगा, वो आनंद शेष के शेष को बिस्तर बना करके उसमें आनंद शयन किए हुए होते हैं और नाभि से एक कमल ऊपर के ओर निकला हुआ होता है और उस कमल के बीच में ब्रह्मा जी बैठे हुए होते हैं और ब्रह्मा जी वहाँ बैठ करके सब सृष्टि करता है, ऐसी मान्यता है पुराणों के अनुसार। तो ये आकार का दर्शन है पद्मनाभ, यानी सृष्टि का आधार वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का भी आधार है भगवान। अमर प्रभु, जब ब्रह्मा का स्मरण हो गया, पद्मनाभ का स्मरण हो गया, तो देवताओं का भी स्मरण हो गया। जितने देव है जो लोगों के आराध्य बने हुए हैं, जो अमर है, न नहीं मरता है इसलिए अमर है, ये देवता नहीं मरते हैं इसका ये अर्थ है कि जैसे हमारी मृत्यु होती है वैसे नहीं होता,
उनको मृत्यु नहीं होती है जैसे हमारी होती है, जैसे हम पहले बच्चे रहते हैं, युवा होते हैं, फिर वृद्धावस्था में आते हैं, उसके बाद मर जाते हैं, ऐसा उनका नहीं होता है। वो देवदा नित्य अमर का मतलब वो युवा अवस्था में ही रहते हैं, उनकी अवस्था युवा अवस्था है। तो युवा अवस्था में रहते रहते जितना भोग जिस लोग में है, स्वर्ग लोग में है या शिव लोग में, विष्णु जिस लोग में, अग्नि लोग, अनेक लोग हैं, उन लोगों में कहीं भी रहते हैं तो जिस लोग में जो भोग है उसको भोगने के बाद उनका कर्मफल समाप्त होता है तो वहीं से निकल जाते हैं, कर्म क्षीण होता है तो वहां से फिर दूसरे योनि पर जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन मृत्यु नहीं होती है और वहां कहते हैं उनको भूख प्यास भी नहीं लगते, जो देवता वहां जाते हैं उनको भूख प्यास नहीं लगते क्योंकि वहां एक अमृत नाम की वस्तु है, वो उनको पिला दिया जाता है, उसके बाद भूख प्यास से रहित हो जाते हैं। अब हम आप थोड़ा सोच लीजिए, यहाँ भूख प्यास यदि आपको खत्म हो जाए हैं तो कितनी बड़ी व्यवस्था, कितनी अच्छी स्थिति हो जाती, ये कितना झंझट हम जो भी करते हैं सब ये भूख प्यास के चक्कर में है, खाने पीने के लिए करते हैं और क्या करते हैं। किसी को भी पूछो क्यों जी रहे भाई, खाने पीने के लिए जी रहा है, और तक खाना पीना क्यों है, नहीं तो हम कैसे जियेंगे, ऐसे सोचते हैं। यदि खाना पीना बंद हो जाए ना, आपको एक घूटी पिला दी जाए कि जिससे एक बार पी लिया बस खाना पीना बंद, तो कितना अच्छा हो जाएगा, समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाता। तो ऐसा ही है वहां व्यवस्था, क्योंकि वहां फिर सफाई सफाई की कोई व्यवस्था जरूरत नहीं, कोई खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं, फिर कोई बिजनेस वाले की भी जरूरत नहीं, बहुत कुछ जो है कम हो जाता है ये खाने पीने बंद हो जाने से। इसलिए अमर है वो, उनके जीवन ऐसा चलता है। जैसे आप पैसा कमाते हैं, आपके पास खूब पैसा जब हो जाता है आप शेयर करने निकलते हैं, कई लोग आजकल तीर्थ यात्रा के नाम से घूमने के लिए निकलते हैं, जाकर के बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, वहां जाके जितना दिन आपके पास पैसा है वो पे करने के बाद पहले ही वो पेमेंट ले लेता है, फिर वहां आपको रखेंगे दो चार दिन। अब जितने दिन रहेंगे वहां बिल्कुल सुख सुविधा सब बराबर देते रहेंगे, वो कुछ नहीं पूछते, बहुत प्रेम से, बहुत आदर से, आपको लगेगा कि कितना इनका अच्छा स्वभाव है, ऐसे कितने व्यवहार अच्छा कर रहे हैं, ऐसा सोचता है, वो पहले पैसा ले रखा है इसलिए ऐसा कर रहा है। वो करते करते जैसा पैसा का जो समय समाप्त हो जाता है फिर वहां से निकलना पड़ता है, यदि नहीं निकला तो जो पिछले दिन तक बहुत प्रेम से आपसे व्यवहार कर रहे थे उसका सब कुछ बदल जाता है, तुरंत पुलिस को बुलाएगा और आपको बाहर करवा देता, ऐसा होता है। वहां जाने पर पुण्य लेकर के जाते हैं, यहाँ आपने पुण्य कर्म किया, इतने याग आदि दान धर्म सब बहुत किया, पुण्य कमाए, वो पुण्य के बल पर उस लोक पे जाते हैं, उस अनुभव को पाने के लिए जाते हैं, कहीं कोई मारता पीटता नहीं है, वो जैसा ही हो गया आपका हो गया तो वहां से जैसे होटल से निकलना होता इसे निकल जाना है, बस निकल करके फिर नए जन्म के लिए चले जाना है, और बाकी कोई आपको कोई तंग नहीं करेगा, उसका उसकी व्यवस्था ऐसा है कि कोई निकालना नहीं पड़ता है, जैसा समाप्त तो हो जाएगा वहीं से अपने आप नीचे आ जाएंगे। इसलिए पुण्य क्षय होने पर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर मर्त्यलोक में आ जाएगा, फिर यहां आकर के कर्म करना पड़ता है, इसीलिए उस लोक को अमर लोक बोलते, देवलोक बोलते, अमरान जरा, उनको जरा नहीं होती है। तो ऐसे जितने अमर है देवता है उनके भी वो प्रभु है, वो देवानाम देव है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के डर से ये सभी देवता अपने कार्य को करते रहते। विश्वकर्मा, विश्व को सृजन करने वाला, सृजन तो सामान्य सृजन तो पहले कई बार कह दिए विश्व का सृजन करता है, लेकिन यहां विश्वकर्मा शब्द का विशेष प्रयोग होने से जितने बारीकी से जो कुछ भी करना होगा, अब एक सामान्य काम होता है एक बारीकी काम होता है, अब जैसे एक पत्ता आप निकालिए, कोई भी पेड़ का पत्ता आप निकाल करके देखिए उसमें कितने बस सब कलाकारी किया होता है उसमें, वो अंदर रेशम जो होते हैं फिर उसी को जो पकड़ के रखने के लिए होता है, और किसकी मोटा ही है और कितना लंबा बहुत सुंदर बना, जैसे अभी पीपल का पेड़ पत्ता निकाली वो कितना बढ़िया डिजाइन उसका सब बनाया है,
अब ये जो डिसाइन करना, इसको ठीक से फिट करना, वो सब तैयार करने का, ये बारीकी काम जितने भी है, ऐसे एक एक में ऐसी बारीकी काम है। छोटे छोटे घासों को भी कितने बढ़िया ढंग से बनाया है, और सब में अपनी कुछ विशेषता है। और अलग अलग जगह पे किसी का जो है फल को, फल नीचे लटकता है और किसी का फल ऊपर की तरह रहता है, किसी को लाल बनाया, किसी को पीला बनाया, किसी को हरा बनाया, और जैसा जैसा अलग अलग वर्ण में बनाया। और कितने विचित्रता हो सकते हैं, उतने विचित्रता भगवान ने रची है। ये बहुत बड़ा बारीक काम है। कोई बड़े से बड़े कलाकार या दुनिया भर के सारे कलाकार, चित्रकारों जितने भी कलाकार, सबको इकट्ठा करने पर भी कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि ऐसे पूरा दुनिया नहीं जो 10 एकड़ जमीन में ये सारे करे, वो हो नहीं सकता। इतना इतना बढ़िया बनाया, बहुत बारीकी सूक्ष्म काम है। और आपके सामने यदि एक कोई पिपल पेड़ है, पिपल पेड़ में 1,00,000 पत्ते हैं, अब 1,00,000 पत्तों को एक एक करके यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक भी पत्ता दूसरे पत्ते जैसे नहीं है। 2 पत्ते बराबर आपको मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल अलग होता है। दूर से देखने से तो अब एक ही लगेगा, लेकिन आप उसको ला करके बराबर करके देखिए, उसमें कुछ ना कुछ अलग होता है। ये एक बहुत विशेषता है सृष्टि में, एक जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। तो आप देखिए भगवान एक एक व्यक्ति को, एक एक चीज को कितना इंपॉर्टेंस दिया। आप जैसे केवल आप ही होंगे इस सृष्टि में, मान लो कोई दूसरा नहीं है, कि आपसे भगवान को जो प्रेम है, आपको भगवान जितना आदर करते हैं, क्योंकि आप भी भगवान के लिए विशेष है, बराबर नहीं होता है। लोग बोलते हैं भगवान के लिए सब बराबर है, ऐसा नहीं होता है। हमारे स्वामी जी कहा करते थे भगवान के लिए बराबर कहना एक अलग चीज है, लेकिन भगवान के लिए सब हर एक व्यक्ति विशेष होता है। जैसे आपके 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे में एक एक बच्चे में विशेष प्रेम होता है, और बच्चे को कभी लगेगा कि मेरे ऊपर विशेष प्रेम नहीं है माता पिता का, तो उसको दुख लगता है, बोलते है, मेरे ऊपर विशेष प्रेम नहीं है माता। तो हर एक बच्चे को यह लगना चाहिए कि माता पिता का विशेष प्रेम मेरे ऊपर है। इसके लिए भगवान ने कहा भाई ये हम गारंटी देते हैं, तुम्हारा जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो ढूंढ कर लाओ, मिलेगा नहीं। इसलिए यूनिक आइडेंटिटी, जो आजकल आधार कार्ड जो बनाया है ना, इसे ये यूनिक आइडेंटिटी भगवान का दिया हुआ है। ये भगवान दिया है इसलिए आधार कार्ड बना पा रहे, नहीं तो नहीं बना पाएगा वो, कितने लोगों को कैसे बराबर कैसे आप करेंगे, संभव नहीं है। तो भगवान ने एक यूनिक आइडेंटिटी दिया, यानी एक विशेष लक्षण दिया। ये जैसे हाथ का लगाना, आंख का लगाना, ये सब लिख रहे ना, ये किसने दिया है हाथ में, ये जो है वो लाइन्स कौन बनाया, आंख में लाइन्स कौन बनाया, कोई मनुष्य नहीं बनाया। मनुष्य बनाया होता तो आधार कार्ड नहीं बनते, बोलता है उसमें इन लोग जो है गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे बोल देते कि वो ऐसे कुछ बोल देते। अभी यह तो बोल नहीं सकता। और केवल मनुष्य की बात नहीं, आप प्राणियों को भी देखो, पक्की मक्की आदि जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं उनको भी देखिए, सब में कुछ ना कुछ अपनी आइडेंटिटी रहती। ये कलाकारी कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कौन सा साइंस, कोई भी साइंस इसका उत्तर नहीं देता है। साइंस यहां आकर के उलझ जाते हैं और घुटना टेकते हैं, बोलते हैं इसका हम उत्तर नहीं दे सकते, ये इतना डिफरेंस क्यों किया। अब उनके हिसाब से जो थियरी है सब बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो थियरी के अनुसार तो सब बराबर ही बनना है, बराबर उत्पन्न होना है। अब वो सब कुछ वैसे ही बोल रहा है तो अब अलग कैसे हो गया, अलग होता ही, इसीलिए ऐसा होगा। अब देखो मनुष्य जो बनाते हैं, मनुष्य की कमी है, मनुष्य जो बनाएगा वो बराबर बनाएगा। अब ये टाइल बनाया होगा तो टाइल का बराबर ही रहेगा, बराबर कहीं भी कुछ दिखाई देता है तो समझ लो ये कृत्रिम है, बराबर दिखाई देता है। भगवान ने जो बनाया नेचुरल जो होता है वो कभी बराबर नहीं होता। यदि भगवान ने टाइल बनाए होते तो सब हर एक टाइल अलग अलग दिखने वाला था। अब ये जो है बराबर दिखता है, बराबर है, उसका वेट भी बराबर होता है, शेप भी बराबर होता है, डिजाइन भी बराबर रहेगा, ऐसे रहेगा। तो अब ये बराबर आप देखेंगे ना, क्यों ऐसा भगवान ने अलग बनाया, एक कारण हमारे स्वामी जी लोग बोलते हैं
क्योंकि आपको यह आदत है कि ये जो समान है एक ही चीज को या एक ही प्रकार से देखते रहने से आप बोर हो जाते हैं, नहीं होते हैं? बोर हो जाएंगे, और एक ही प्रकार का खाना खाने से भी बोर हो जाता है, एक ही प्रकार का दृश्य देखने से बोर हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि जो सृष्टि में जो आए हो वो कम से कम बोर ना हो, उनको हमेशा नया नया दिखाई पड़ते रहे, वो बदलते रहे, तो इसीलिए सारी व्यवस्था वो बना के रखे। इसलिए सृष्टि का यदि आस्वादन आप करेंगे, सृष्टि को ऐसे बारीकी से जैसे हम बता रहे हैं कि एक चीज को आप चारों तरफ देखते रहेंगे, आपके जिंदगी में कभी बोर नहीं होगा, नहीं होगा कि इतना आनंद है, इतना सब कुछ सुंदर बनाया। आप तो अपने कमरे के अंदर सब दरवाजे बंद करके एसी लगा करके चार खिड़की को ऐसे ऐसे देखते रहते, फिर वो तो बोर होगा ही है, फिर दिमाग भी खराब हो जाता है, फिर उसके बाद जो है पैसा कमा करके बाहर घूमने की इच्छा होती है। अरे ऐसा मत करो, इधर आओ, बाहर देखो, घास को देखो, पौधे को देखो, फूल को देखो, वो कैसे आ रहा है, कितने सुंदर है, उसका काम देखो, अपने आप आकर के खिलता है, कोई खिलाता नहीं, वो गर्मी पैदा करता है, क्या क्या हो रहा है ये ऐसे देखो, एक एक पत्थर को छुन करके देखिए, पूरा टाइम पास हो जाएगा कि कैसे बना ये आकार। इसीलिए ये भगवान के सृष्टि को कोई देखेगा तो भगवान स्वयं ऐसी व्यवस्था दी है कि और कोई शेयर करने की जरूरत नहीं, और कोई गार्डन में जाने की जरूरत नहीं, अमेरिका जाने के लिए, इधर घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड जाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके आजू बाजू को सृष्टि को आप देखेंगे तो आपका जीवन पूरा बहुत सुंदर ढंग से बीत जाए। लेकिन आपने जो मनुष्य ने जो बनाया है उसको आप ज्यादा समय देख सकते, पहले तो टाइल थोड़ा दिन तो दिखाई पड़ेगा, ठीक है, बढ़िया है, फिर बाद में ये बोर हो जाता है, कुछ साल के बाद ये हटाने में लग जाते हैं कि ये देख देख करके थक गया, अब दूसरा लगाएंगे या फिर उसके ऊपर कारपेट लगाएंगे, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। क्यों? एक चीज को हम बार बार नहीं देख सकते। ये एक विशेषता भगवान की सृष्टि में है, इसीलिए भगवान को यहां विश्वकर्म कहा। तो बहुत बारीकी का काम करते हैं, जो विश्वकर्म का काम होता है ना, जो कलाकारी करते हैं, वो उस प्रकार के कार्य सब सृष्टि में किया हुआ है, सबके अंदर किया हुआ, एक एक कण में, एक एक कोश में ऐसे कार्य को किया हुआ, बारीकी कार्य को किया हुआ। मनु स्तष्टा, मनु का अर्थ होता है, दो अर्थ है, एक तो मनु मन प्रजापति, जो मनु प्रसिद्ध है, जिन्होंने हमारे हमारे संस्कृति का संविधान बनाया। मनु को आपने सुना होगा सभी लोग, मनु क्या किया आपको पता है? मनु जो मनु है, जो मनुस्मृति आदि आपने सुने होंगे, मनुस्मृति है, मनु का धर्मशास्त्र है, यह है, तो वो उन्होंने क्या किया, उनका क्या क्या ड्यूटी था? जैसे हमारे संविधान को बनाए हैं ना किसी ने, भारत का एक संविधान है, हर एक राज्य का अलग अलग संविधान, ऐसा एक समय आ गया कि सृष्टि को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक संविधान व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। तब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को बुलाया, बुलाने के बाद, तब तक ऐसे संविधान की व्यवस्था नहीं थी, सब लोग अपने अपने काम ठीक कर रहे थे, लेकिन जब प्रजा बढ़ गई और इधर उधर होने लग गया, जब आबादी बढ़ जाती है तो होता ही है ना, तो ऐसे जब आबादी बढ़ गई, कहते हैं पहले तो जो सृष्टि के शुरू में जिनको जिनको बनाया वहां ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसा कुछ नहीं था, तो आवश्यकता नहीं थी, वो सभी जो कुछ भी थे अपने अपने कार्य कर रहे थे, वो सभी ब्राह्मण ही थे समझ लीजिए, जो एक ही प्रकार से अच्छे कार्य कर रहे थे। किंतु बाद में ये जब बढ़ गए तो अव्यवस्था नहीं है, ऐसा हो गया, कोई कुछ मानता है, कोई नहीं मानता है, कभी करता है, कभी नहीं करता है, कभी कोई सुबह 4 बजे उठता है, कभी उठता नहीं, कभी 9 बजे उठता है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, ऐसे सब होता है ना, वो सब नियम बनाना पड़ेगा। अब जब स्कूल में जाना है, टाइम दे दिया, कोई आगे जाता है, पीछे जाता है, तो क्या होगा, उसको दंड देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति एक आ गई कि यदि दंड की व्यवस्था नहीं करेंगे तो कोई मानेंगे नहीं, काम नहीं चलेगा। ऐसा आने पर ब्रह्मा जी ने एक सर्व मैंने सभा बुलाई, सभा बुला करके विचार किए अभी आगे क्या करना है। तो सभी ने अलग अलग मशवरा दिए, कोई बोले कि ठीक है आप जो है ये सृष्टि को समाप्त करके नई सृष्टि बना दीजिए। अब उन्होंने कहा है कि अब बार बार सृष्टि बदलने तो बाद में तो यही होना है,
हमको तो सृष्टि का विस्तार करना है, जब तक अगले सृष्टि नहीं आएगी विस्तार करना है तो अभी इसी सृष्टि को चलाना पड़ेगा। फिर ऐसा विचार करते हुए उन्होंने कहा ठीक है, अब इनमें से जितने आपकी प्रजाएं हैं इनमें से कुछ लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा कि वो दूसरे को शिक्षित करे, यानी ये कुछ ग्रुप कुछ लोग ऐसे करेंगे वो डंडा लेकर के दूसरे को समझाएंगे, आपके कानून को चलाएंगे, आप जैसा नियम बनाए हुए उनका प्रैक्टिकली करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ऐसा करके बोला तो ठीक है ये बढ़िया आइडिया है करके उन्होंने मान लिया। मानने के बाद अब वो जो दंड चलाएंगे उनके लिए कुछ बोलना पड़ेगा किसको क्या दंड देना है कैसा दंड, नहीं तो बराबर सबको दंड दे देंगे वो भी ठीक नहीं है। तो फिर दंड देने की व्यवस्था बनाई, ऐसा संविधान की उत्पत्ति हुई। तो मनु को प्रकट कराया, ऐसे क्षत्रियों की उत्पत्ति ऐसे हुई। क्षत्रियों को ये दायित्व दिया गया कि ये जितने काम करते हैं ये इधर उधर धर्म के आगे पीछे जाने से उनको दंड दे करके बराबर धर्म की व्यवस्था बनाए रखना, फिर क्षत्रियों की व्यवस्था हुई। उसके बाद फिर आवश्यकता पड़ गई तो वैश्यों की व्यवस्था हुई, फिर उसके बाद जब आवश्यकता पड़ी तो शूद्रों की, ऐसे वर्णों की व्यवस्था ऐसे बताते। तो जब ये संविधान बना कि दंड कैसे चलाना चाहिए तो मनु को कहा कि आप इस संविधान को तैयार कीजिए। इसलिए मनु ने सृष्टि के आदि में ये संविधान बनाया, तो उसको हम मनुस्मृति कहते हैं। और आज आप नहीं जानते हुए भी जो कुछ आचरण आप कर रहे हैं आपके षोड़श संस्कारों में, जन्म संस्कार से लेकर के जितने भी विवाह संस्कार आदि 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 जो भी कर रहे हैं, खाना पीना रहना जो भी हो रहा है, इसका कहीं न कहीं आप मूल ढूंढने पर आपको मनुस्मृति में मिलेगा। आचार विचार के जो जो नियम हैं वो सारे मनुस्मृति में ही, मनुस्मृति के अनुसार ही है। और आप उन शब्दों को नहीं जानते, आपको पता नहीं है कि इसके अनुसार हो रहा है, लेकिन उसके अनुसार ये, क्योंकि बहुत काल से ये चलते चलते हमारे जीवन में ये मिल गया। और हमारे भारतीय संस्कृति का अर्थ ही मनु द्वारा निर्दिष्ट धर्म है, इसको इसलिए उसको मानव धर्म कहते, इसीलिए हम लोगों को मानव कहते। ये मानव का अर्थ यही है कि मनु के संतान, मनु को मानने वाले, मनु के संविधान के अनुसार चलने वाले। जैसे हम भारत में रहते हैं इसलिए भारतीय नहीं है, भारत में जन्म लिया भारत होता ये ठीक है, लेकिन इस समय कोई भारतीय का अर्थ होता है भारत के संविधान के अनुसार जो भारत की नागरिकता जिसको प्राप्त है वो भारतीय होता है। ऐसे ही मनु के संविधान के अनुसार जो अपने जीवन को चलाते हैं उनको मानव कहते हैं। ये इसका बहुत बड़ा विस्तार है। तो मनु को भी भगवान ने बनाया, मनु भी भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि संविधान तो बनाया ठीक है। अब जब दंड की बात आते हैं, दंड से तो सब डरते हैं, दंड सुनकर के ही आपके मन में कुछ डर जैसा पैदा होता है। और जो भी दंड का विधान करेगा, दंड देगा, उस पर लोगों का विरोध होना अवश्यम भाव है, स्वाभाविक है। आप गलती करते हैं लेकिन आप दंड नहीं चाहते, गलती करने के बाद आपको दंड विधान हो गया तो आपको अब उसके विरोध में सोचने लगते हैं, ये मेरे को दंड दिया अब उसको हम दंड देंगे, ऐसा सोचने लगते हैं। इसीलिए ऐसा ना हो कि मनु जब दंड विधान करके रखा है उस दंड को राजाओं के माध्यम से जब चलाएंगे तो मनु पर किसी का आरोप ना लगे कि ये ऐसे ऐसे दंड कर दिया, ऐसा ना लगे, इसलिए मनु को भगवान का स्वरूप मान लिया। तो अब जो है मनु का जो दंड विधान है भगवान का ही दंड विधान, राजा को भगवान का स्वरूप माना है, राजा को पिता माना है, राजा भगवान स्वयं विष्णु है ऐसा शास्त्रों में कहा। इसलिए कहा क्योंकि उसको लोग मानकर चले, मानकर चलने से क्या फायदा होगा, सबके लिए अच्छा होगा, सब पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकेंगे, सब समाज में सुरक्षित रहेंगे, सब खुश शांति से अपने जीवन को चला पाएंगे। इसलिए व्यवस्था की जरूरत है। हमारे भी कानून नियम क्यों बनाया है, इसके लिए बनाया, सब लोग ठीक ठाक चले तो ये कानून नियम दंड आदि की कोई जरूरत नहीं, चलता नहीं है लोग,
स्वाभाविक रूप से लोभ के कारण, काम के कारण, परस्पर द्वेष प्रत्वेष के कारण ये सब बिगड़ जाता है, तो दंड विधान की आवश्यकता है। तो दंड विधान करने वाले मनु भी मैं ही हूं, ऐसा मनु का नाम लिया। त्वष्टा, ये त्वष्टा एक देवता का नाम है, किंतु यहां त्वष्टा शब्द का अर्थ सबको तनुकृत, माने सबको कमजोर बनाने वाला, ऐसा। तो कमजोर बनाना माने कभी कभी किसी को कमजोर भी बनाना पड़ता है, कोई शक्तिमान है तो कोई कमजोर भी है। अब सभी बराबर शक्तिमान होगा तो कुछ चलेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। तो भगवान क्या करते हैं, जिसको शक्ति जिस समय देना होता है तो उस समय उसको शक्ति दे देते हैं, तो वो उस समय उसका बहुत चलता है, उस समय दूसरे को कमजोर कर देते हैं। तो ऐसा ये भी संचालन की दृष्टि से ये भी जरूरत पड़ता है, किसी को आगे करना होता है, किसी को पीछे करना होता है, और पहले जिसको पीछे किया वो बाद में उसको आगे करता है। जैसे आजकल कोई राजनीति पार्टी जो है एक बार सत्ता में आ जाती है तो उसका सब कुछ बहुत कुछ चलता है, फिर उसके बाद वो चले जाती है, दूसरी आ जाती है, तो ऐसा होता है। तो इसी प्रकार सब में आगे पीछे भी करना होता है, सबको बराबर नहीं रख सकते, ये बराबर रखने वाली बात तो चलती नहीं है व्यवस्था में, इसीलिए उस त्वष्टा कहा, तनुकर्ता। स्थविष्ठ, स्थविष्ठ अर्थ का पहले आया स्थूल होता है, सबसे स्थूल, जो मोटा तकड़ा जिसको होते हैं उसको स्थूल कहते हैं, वो ताकतवर, ऐसा अर्थ भी है, स्थविष्ठ है, स्थूल है, वो भी भगवान का ही रूप है। और स्थविर, स्थविर मन वृद्ध होता है, बूढ़ा, पुरातन। अब पुरातन को लोग पसंद नहीं करते, इसलिए भगवान ने वो पुरातन को भी अपना जोड़, पुराना बोलने से मतलब क्या है, वो पुराना हो गया, ये पुराना हो गया मैंने, अब वो छोड़ने लायक हो गया, ये कोई काम का नहीं रहा, ऐसे भाव हो जाता है। बोलते भाई हमारे सामने, भगवान कहते मेरे सामने कोई पुराना नहीं है, ना कोई नया है, वो एक परिणाम में पुराना हो जाता है, वो बाद में नया बनने वाला है। अब आपको पुराना दिख रहा है, वो वास्तव में नया बनने की ओर जा रहा है, वो कुछ दिन में नया बन जाएगा, अब पुराना ठीक है, लेकिन वो बाद में दूसरा जन्म लेगा, फिर वहां नया बन जाएगा। इसीलिए पुराने को ऐसा पीछे मत रखो, ऐसा कमजोर मत समझो, पुराना और बलवान होता है, है ना। इसीलिए भगवान ने वो भी कह दिया कि जो जो पुराना है वो भी मेरा ही स्वरूप है, नया कोई मेरा स्वरूप मत समझो। स्थविर, स्थविर मन वृद्ध ही होते हैं, जो बुढ़े होते हैं, उम्र दराज के होते हैं, उनको स्थविर कहते हैं, पुराण है। जैसे वृद्ध लोग जब डंडा लेकर के चलते हैं, व्हील चेयर में चलते हैं, तो जवान लोग देखते हैं, देखने से उन सोचते हैं ये देखो वो बुढ़ा हो गया, उनके तरफ देखने का भी उनको मन नहीं होता है, और वो नहीं सोचते हैं कि हम भी ऐसे जन्मने जा रहे, हमारे लिए भी व्हील चेयर तैयार हो रहा है, वो मन में आता नहीं है, ऐसा सब भगवान ने रखा है, क्योंकि उस समय वो सोचेगा तो फिर उसके जवानी चले जाएगी, मतलब जवानी में अब वो बुढ़ा होने के बारे में सोचेगा तो वो चला जाएगा ना, इसलिए भगवान ने ऐसे भाव रखा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहे, जितने जवान के मन में जो आता है ना वो भी स्वाभाविक होता है। यदि वो बुढ़े के बारे में सोच के बुढ़ा अच्छा है सोचेंगे तो फिर जवानी का काम नहीं कर पाएंगे, भगवान को मतलब है उसको जवानी से काम लेने का, तो जवानी में जो काम करना है वो करेंगे, बाद में हो जाए, इसलिए बुढ़े के ऊपर ध्यान नहीं देते कोई, ये करने करते केयर नहीं करते, वो जैसा भी हो गया हो गया, तो ठीक है वैसा करके हो गया तो वो उसको छोड़ देते हैं, तो ये संबंध को अलग कर देते हैं, ऐसे भाव होता, अपनों के ऊपर भी ऐसा होता है, और कोई विरल ही होते हैं वृद्धों को, बुढ़ों को देख करके आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, और उनके अंदर वो भाव आता है और मदद करते हैं, ऐसे होते बहुत विरल होते। आजकल तो वो फैशन चल पड़ा है, एक अलग प्रकार से वो व्यवहार करते हैं, तो इसीलिए ये भगवान ने कहा है कि स्थविर भी मेरा ही स्वरूप है, पुराना कोई नहीं होता। और ध्रुव, स्थविर ध्रुव, ये दोनों मिला के एक नाम मान लिया है यहाँ, तो स्थविर और ध्रुव, ध्रुव होता है स्थिर, जैसे ध्रुव नक्षत्र आपने सुना होगा, एक नक्षत्र है वो ध्रुव है, एक ही स्थान में रहता है, लेकिन एक ही स्थान में नहीं रहता है, वो बहुत बदलता तो है लेकिन बहुत कम
बदलाव दिखाई पड़ता है। इसलिए ध्रुव नक्षत्र को स्थिर मान करके ज्योतिष शास्त्र में अन्य नक्षत्रों की गति का विचार करते हैं कि अन्य नक्षत्र का क्या क्या स्थान है, कहाँ कहाँ होता है, उसका विचार ध्रुव को बीच में रख करके करते हैं कि ध्रुव है, चंद्रमा है, ऐसे ऐसे है जो ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों के विचार में आता है। इसलिए कि ध्रुव एक स्थिर नक्षत्र माना है, ऐसा ध्रुव, ध्रुव कहने से स्थिर नक्षत्र होता है। ध्रुव का दर्शन करना भी एक आचार है हमारे संस्कृति में, तो ऐसा स्थविरत ध्रुव। इस प्रकार भगवान के अनेक रूपों को सृष्टि के साथ जोड़ते हुए वर्णन किया है। और जैसा हमने कहा, हर एक श्लोक में एक दो नाम ऐसे रहेंगे जो भगवान का निर्गुण स्वरूप को दिखाता। अब इस श्लोक में आप देखिए, अप्रमेय शब्द भगवान का निर्गुण स्वरूप को दिखाता। अब बाकी ऋषिकेश, पद्मनाभर, प्रभु, ये सारे सृष्टि के अंतर्गत रखा, तो दोनों मिला के चलते हैं, क्योंकि वो भी याद रहना चाहिए बीच बीच में इसके लिए। और स्थावी रहा, ये सारे गुणों को लेकर के हैं, गुणों को लेकर के, भावों को लेकर के, सृष्टि के जो वस्तु है उनको लेकर के हैं। तो ऐसा वर्णन आगे और करेंगे कि अग्राह्य, अच्छा 20वां श्लोक है आगे, 86 श्लोक नंबर 86 है, पेज नंबर 86 है, श्लोक नंबर 20। अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्दनः प्रभुदस्त्रिक गुब्धामा पवित्रं मंगलं परम। अग्राह्य, अब ये भी ये लक्षण जो है परमात्मा का निर्गुण स्वरूप का, पहले अप्रमेय बोला, यहां अग्राह्य बोला, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। अब पहले जो अप्रमेय बोला था वो पंच ज्ञानेन्द्रियों को लेकर के था कि पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन के द्वारा ग्राह्य नहीं है, ये कहने के लिए अप्रमेय कहा। अब यहां अग्राह्य बोलने से कर्मेंद्रियों के द्वारा भी ग्राह्य नहीं है, कर्मेंद्रिय जैसे हाथ पैर आदि है, इसके द्वारा भी उसको ग्रहण नहीं किया जाता, ऐसा इसमें समझना पड़ेगा। भाष्य में भी ऐसे ही लिखा है, कर्मेंद्रिय न गृह्यते इति अग्राह्यः। ये जो वाणी है, कर्मेंद्रियों में अन्य इंद्रिय तो ठीक है, हाथ से हम जिसको पकड़ते हैं, अब हाथ से हम किसको पकड़ते हैं, वस्त्र को पकड़ेंगे। अब ये वस्त्र को जो पकड़ा है, ग्रहण तो हम वस्त्र का किया, अब वस्त्र के अंदर जो है वो तत्व, उसका जो कारण है, वो कॉटन है, जो भी उसका स्वरूप है, वो तो सब है, वो भी आपने पकड़ लिया, तो वस्त्र को पकड़ना हो गया, कॉटन को पकड़ना हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन इसका यदि परम कारण में जाएंगे तो ये जो पकड़ा है आपने, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो परम कारण बोलेंगे तो इसको परमाणु बोलेंगे, अणु बोलेंगे, या उससे भी आगे साइंस की दृष्टि जाएंगे तो ये एक प्रकार की एनर्जी है, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो वस्त्र है और ये हाथ है, इसमें कोई अंदर नहीं होता है उस स्थिति में। अब जब अंदर नहीं होता है तो आपका पकड़ना भी नहीं बनता है, तो आप कुछ पकड़ के रखे हैं, ये जो बोल रहे हैं वो आपको, आपकी केवल मान्यता है, क्योंकि ये जो तत्व और ये हाथ का जो तत्व है, ये दोनों में कोई अंदर नहीं। इसका जो केमिकल्स देखेंगे या इसका जो अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स जो भी देखेंगे, ये और हाथ में एक ही होता है, क्योंकि ये भी पृथ्वी तत्व से बना हुआ, उसका जो भी गुण है वही हाथ का भी, शरीर का भी है, ये आश्चर्य है। अब ऐसे स्थिति में आपने पकड़ा है किसको, नहीं पकड़ा है, पकड़ा है ऐसा नहीं बोल सकते, एक लेवल है, दूसरे उसके एनर्जी लेवल पर जाते हैं। जैसा आपने कुछ सुना होगा क्वांटम फिजिक्स के बारे में सुना होगा, तो उसमें आइंस्टीन का नाम सुना होगा, तो आइंस्टीन के बारे में कहते हैं कि वो कहीं भी जाके कहीं लचरा आदि देते हैं, कहीं चर्चा करते समय कभी सामने कुछ निकाल करके, एक बॉल जैसा निकाल करके हाथ में पकड़ करके दिखाते थे, बोल रहे कि दिखा करके बोलते हैं, आई एम होल्डिंग नथिंग, ऐसा बोलते हैं।
कि मैं पकड़ा तो हूं लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। कारण क्या है कि ये जो ग्राह्य ग्रहण आप जो मान रहे हैं ये एक स्तर पर है, उस स्तर से आगे जाने से कोई ग्राह्यता वहां है ही नहीं। आप किसी को पकड़ा भी नहीं है, किसी को छोड़ा भी। जो बाहर तत्व है वही अंदर है, जो पृथ्वी में है वही आपके शरीर में भी है, और शरीर भी वहां पृथ्वी में लीन होने के बाद एक हो जाता है। तो किसको किसने पकड़ा है यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए भगवान का जो स्वरूप आप देखेंगे वो स्वरूप को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन भगवान जो सृष्टि के रूप में अनेक प्रकार से ये जो वस्तुओं को बना के रखा है उनको आप पकड़ सकते हैं, ले सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। एक स्तर के ऊपर जाने पर वहां कोई अलग तत्व नहीं रहता है, वही निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, इसको अग्राह्य कहा। आगे फिर देखेंगे, कल प्रातःकाल एक सत्र शेष रह गया है कि प्रातःकाल जितने हो सके वो करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं भराड़ो के ओर। वडोदरा में वहाँ एक हफ्ते तक कार्यक्रम है, और ये जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ रखेंगे, अब सहस्र नाम है, फिर आगे जब आएगा फिर आगे देखेंगे। लेकिन आप लोग जैसा अभी मैंने कहा इस स्वाध्याय को बना के रखिए, और ऐसे कोई भी ग्रंथ कोई भी स्तोत्र आप पढ़ते समय उसका अर्थ चिंतन करने का प्रयास करिए कि उस दिशा में एक दिग्दर्शन मात्र है जो हम विचार कर रहे हैं इसका, ये तो इतना ही है इसमें कि ऐसे शब्दों का अर्थ का विचार करते हुए भी आपको ज्ञान हो सकता है, एक दिग्दर्शन यहाँ करा रहे हैं। तो आप स्वयं इसको आगे कर सकते, जो लोग पुस्तक खोल करके पढ़ सकते वो पढ़ें, जो सुन सकते हैं उसको सुने, इस प्रकार इसकी आवृत्ति करते रहें। जब भी आप विष्णु सहस्र नाम का जप करते हैं तो ये सब बातें ध्यान में रखना, कारण दृष्टि से क्या कह रहे हैं, निर्गुण दृष्टि से क्या कह रहे हैं, निराकार के बारे में क्या कह रहे हैं, और सृष्टि के बारे में क्या कह रहे हैं, हमारे लिए कर्तव्यों के बारे में क्या कह रहे हैं, ये सब ध्यान रखते हुए यदि पढ़ेंगे तो पढ़ने का जो पुण्य मिलेगा वो तो मिलेगा ही, किंतु आपके मन भगवान में लीन हो जाएंगे और प्रतिदिन आपको ज्ञान का उदय होते रहेगा, ऐसा अंत में साक्षात्कार अनुभूति भी हो सकते। इसलिए आज यही रखते हैं और प्रातःकाल इसकी समाप्ति करें। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।